बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। बच्चों महासागर और महाद्वीपों के वितरण के अंतर्गत हमने पिछले क्लासेस में देखे कि किस तरीके से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, हेरी हेस का सिद्धांत और दूसरे प्रकार के सिद्धांतों के समय कित प्रयास से एक प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का जन्म हुआ। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने विभिन्न क्रियाओं को पढ़ा, विभिन्न प्रक्रियाओं जो इसके अंदर हुई, पर्वत निर्माण जैसी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ा। ठीक है बच्चों, तीन प्रकार की प्लेट सीमा यहाँ पर पढ़ी जिसके अंतर्गत अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित सीमा हमने यहाँ पर अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात आज हम इसके तीसरे पार्ट के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तीसरे पार्ट और इस चैप्टर के पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का क्या महत्व है और उसमें कौन कौन सी शक्तियां कार्य करती है और कौन कौन से उसमें प्रमाण देखे गए हैं और कौन सी उसमें कमियां या उसकी बुराइयां देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो बच्चों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अवधारणा, जो पूरा हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ा इसके आखिर में अवधारणाएं कौन कौन सी होगी ये चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। पहला है दुर्बलता मंडल पर स्थल मंडल उत्प्लावित है। पहली चीज़ क्या है, दुर्बलता मंडल पर, यहाँ पृथ्वी के अंदर में यहाँ पर दुर्बलता मंडल है बच्चों। ठीक है, और ऊपरी स्तर पर स्थल मंडल है, अर्थात स्थल मंडल जो है वो दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा इस प्रकार का होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था कि महासागरीय प्लेट नीचे क्षेपित हो जाती है और उस प्लेट क्षेपित होने के कारण ही महाद्वीपीय भाग का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है और दूसरे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। किसके कारण से, महासागरीय प्लेट के क्षेपण होने से, विशेष रूप से। तो महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीप क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। जिस दर से विनाश होता है उसी दर से निर्माण होता है, अतः पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल एक समान होता है। तो बच्चों अपसारी प्लेट, जहां अपसारी सीमा है वहां पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है और अभिसारी सीमा पर पदार्थों का क्षेपण हो रहा है। तो जिस दर से विनाश हो रहा है उसी दर से नया निर्माण भी हो रहा है। और इस प्रकार से पृथ्वी का जो सतही क्षेत्रफल है बच्चों वो एक समान है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय द्रव्यमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और उसका विनाश संभव नहीं है क्योंकि सर्वाधिक हल्के पदार्थों से बना हुआ है। महाद्वीपीय जो द्रव्यमान है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हो रही, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, देखने वाली बात है, और उसका विनाश संभव नहीं है। महाद्वीपीय जो पदार्थ है बच्चों वो हल्के हैं बजाय के महासागरीय पदार्थों के, इस वजह से हल्के होने के कारण उनका विनाश संभव नहीं है। यह भी इसके एक अवधारणा हुई। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिक की शक्तियाँ कौन कौन सी है, आखिर में प्लेट विवर्तनिक जो हुआ उसकी शक्तियां कौन कौन सी है जिस कारण से यह संपूर्ण क्रियाविधि घटित हुई। उसी के अंतर्गत पहली है हमारी संवहनीय धारा। बच्चों होम्स की संवहनीय धारा के अंतर्गत हमने पहले की क्लासेस में भी देखा था, आज फिर से देख लेते हैं कि किस प्रकार से संवहनीय धारा यहां पर काम करती है। होम्स के अनुसार बाह्य कोर एवं मेंटल की सीमा से विशाल मात्रा में ऊर्जा ताप प्रवणता के कारण स्थल मंडल के अधर तल में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा मैग्मा को उत्पादित करती है जिसे हॉट प्लूम कहते हैं। दुर्बलता मंडल में यह पार्श्व विस्थापित होता है जबकि कोल्ड प्लूम दुर्बलता मंडल के अन्य भागों से मेंटल में प्रवेश करता है। यह चीज़ें मैंने बच्चों आपको पहले भी बताई थी, किस प्रकार से जो बाह्य कोर और मेंटल की सीमा से विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यहाँ पर ऊर्जा निकलने के कारण जो मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा का निर्माण जब ऊपर उठता है तो सतह से टकरा करके विपरीत दिशाओं में गमन करता है। यहाँ पर ये गर्म होता है बच्चों, ठीक है, और
पार्श्व दिशाओं में, पार्श्व दिशाओं में गमन करता हुआ ये वापस ठंडा होकर के नीचे वापस दुर्बलता मंडल में ही गिर जाता है। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा, संवेनीय धारा कहा। और इसी के कारण बच्चों प्लेटों का विपरीत दिशाओं में गमन होता है। इसी के बल के कारण जब ये बल लगता है विपरीत दिशाओं में जाने के लिए, पार्श्व विस्थापन जब होता है तो विपरीत दिशाओं में बल लगता है, और विपरीत दिशाओं में जब बल लगता है बच्चों तो प्लेट विपरीत दिशाओं में गमन करने के लिए प्रेरित होती है। ठीक है बच्चों, तो पहली जो शक्ति है वो है संवेनीय धारा, जो किसने दी थी, होम्स महोदय ने दी थी। दूसरा है बच्चों रेलिक प्रिंसिपल के अनुसार दाब घटने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा जिससे मैग्मा का पिघल जाएगा। रेलिक प्रिंसिपल क्या कहते हैं इस बारे में, कि जिस तरीके से यहां मैग्मा ऊपर उठा लेकिन यहां प्लेट विपरीत दिशा में गमन करने के कारण यहां पर दाब घट जाएगा, जो प्रेशर था पहले वो कम हो जाएगा, और कम होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से मैग्मा पिघल जाएगा, और जिस वजह से मैग्मा का उत्थान होगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ रेलिक प्रिंसिपल में देखे। टारकोट महोदय के अनुसार मेंटल को कुछ चट्टाने ना तो गर्म है और ना ही ठंडी है, उन्हें थर्मल इंडिफरेंट सेल कहा गया है। थर्मल इंडिफरेंट सेल कहा गया है। टारकोट महोदय ने बताया था कि कुछ चट्टाने इस प्रकार की बनी हुई हैं। ठीक है बच्चों, कुछ चट्टाने इस प्रकार की बनी हुई है कि जिससे कि ना तो चट्टाने ठंडी है और ना ही गर्म है, थर्मल इंडिफरेंट सेल कहा, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ ही स्थानों पर मैग्मा का उत्प्लावन होता है। इस कारण से बच्चों कुछ ही स्थानों पर मैग्मा निकलता है और वहाँ पर अपसारी सीमा बनती है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जहाँ पर अपसारी सीमा है वहीं पर ही अपसारी सीमा क्यों है, इसका कारण टारकोट महोदय ने बताया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे सेल है, कुछ ऐसे चट्टाने हैं जो ना तो गर्म हो सकती है ना ही ठंडी हो सकती है, उन्हें क्या का नाम दिया गया था, थर्मल इंडिफरेंट सेल। तो उन चट्टानों के अलावा जो स्थान है वहीं पर ही मैग्मा उत्थित हो सकता है, वहीं पर ही मैग्मा ऊपर उठ सकता है, उनके बीच में से नहीं उठ सकता। इसे हम दोबारा देख लेते हैं बच्चों। इस तरीके से उन्होंने, टारकोट महोदय ने बताया कि इस तरीके की कुछ सेल है, ठीक है, कुछ चट्टाने हैं जो कि ना तो गर्म हो सकती है ना ही ठंडी हो सकती है, तो इनके मध्य में जो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, इनके मध्य में से यहाँ से मैग्मा निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो टारकोट महोदय ने इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पर बतलाई थी। इनके मध्य में से ही मैग्मा निकल सकता है, और यहां पर ये चट्टाने क्या है, ना तो ठंडी हो सकती है ना ही गर्म हो सकती है, थर्मल रूप से तापीय रूप से वो प्रभावित नहीं होगी, ये इसलिए टारकोट महोदय ने ये बताया। और उनके अनुसार जहां पर अपसारी सीमा है बच्चों, जहां पर अपसारी सीमा है और जहां पर कटकों का निर्माण हो रहा है वहां पर ही मैग्मा उत्थित हो रहा है, वहीं पर ही ज्वालामुखी, मंद ज्वालामुखी क्रियाएं संभव है, इसके अलावा कहीं भी ज्वालामुखी क्रियाएं संभव नहीं है, ऐसा टारकोट महोदय ने बताया था। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात मैं बताता हूं कि जो कि ठोस एवं दृढ़ की तरह कार्य करते हैं तथा पृथ्वी के अंतः चापीय संचरण से अप्रभावित रहते हैं, इन अप्रभावित मेटल के कोशों के दीवारों के सहारे मैग्मा ऊपर की ओर उठती है तथा दुर्बलता मंडल में मिलती है, जबकि दूसरे छोर से मैग्मा कोल्ड प्लून की तरह गिरता है, यह टारकोट महोदय ने बताया था। अगला है बेनलम प्रिंसिपल के अनुसार अंतर आणविक ऊर्जा के निष्कासन से भी संवेनीय धाराएं उत्पन्न हो सकती है। एक बेनलम महोदय थे, उनका प्रिंसिपल था कि अंतर आणविक जो ऊर्जा है, जो अणुओं के अंदर जो ऊर्जा है, उनके निष्कासन से भी संवेनीय धारा की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार के जो विभिन्न ऊर्जाओं के कारण ही गति देखी गई है। और एक और जो हॉट स्पॉट संकल्पना है उसके अनुसार
कि ये स्थायी होते हैं और लगातार रूप से भूगर्भ के अंदर से हॉट स्पॉट निकलते रहते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि प्लेट के अंदर जो प्लेट है एक एक प्लेट के अंदर, माना कि बच्चों ये प्लेट है, उस प्लेट के अंदर कहीं पर हॉट स्पॉट बने होते हैं और वहीं उस हॉट स्पॉट से ज्वालामुखी के रूप में मैग्मा निकलता रहता है, ठीक है, और यह भी बल लगाता है। लेकिन बच्चों ये मुख्य शक्ति ना होकर के एक पूरक शक्ति के रूप में काम करेगी। हॉट स्पॉट स्थाई होते हैं तथा अंतरा प्लेट भागों में ऊर्ध्व ऊपर की ओर बल लगाते हैं जिससे प्लेटों में ट्रेंच की ओर गति होती है। यह है एक पूरक शक्ति है ना कि प्राथमिक शक्ति, मुख्य शक्ति यह नहीं हो सकती। तो मुख्य शक्ति विशेष रूप से संवहनीय धारा ही होगी और उसी के अनुसार होम्स महोदय ने जो संवहनीय धारा सिद्धांत दिया था उसी के अनुसार ही मुख्य शक्ति के रूप में प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया होगी वो संभव हो सकी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने मुख्य गतियां देखी जिस कारण से जो शक्तियां यहाँ पर कार्य कर रही है, मुख्य शक्तियां यहाँ पर देखी। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक के नवीनतम प्रमाण, उस समय 1967 में जब पीटी दिया था, प्लेट टेक्टोनिक दिया था बच्चों, उसके पश्चात वर्तमान समय में नवीनतम प्रमाण कौन कौन से हैं जिनके अनुसार हम कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक विधि ही सर्वमान्य विधि है। पहला है बच्चों प्रशांत महासागर के प्लेट पर हवाई द्वीप से लेकर बेरिंग सागर तक जो समुद्री पहाड़ियाँ की श्रृंखला पाई गई है जिसकी उम्र उत्तर की ओर बढ़ती है जबकि संगठन एक समान है। प्रशांत महासागर बच्चों उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से पश्चिम की ओर, उत्तरी अमेरिकी जो महाद्वीप है उससे पश्चिम की ओर यहाँ एक हवाई द्वीप है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है। उस हवाई द्वीप पर यह देखा गया है वहां से लेकर के बेरिंग सागर तक जो कि क्या है रूस के पास में है। बच्चों यदि हम मानचित्र के दूसरे तरफ से देखें तो रूस और अमेरिका दोनों पास पास में नजर आते हैं। तो बेरिंग सागर से लेकर के हवाई द्वीप तक समुद्री पहाड़ियों की एक श्रृंखला देखी गई है, ठीक है बच्चों, एक श्रृंखला देखी गई है जो कि क्या है बताती है कि उनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है जबकि उनका संगठन कैसा है समान है। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि प्लेट में गति है, प्लेट में गति होने के कारण अलग अलग स्थानों पर वो द्वीप बने हुए हैं और द्वीप किस कारण से बने हैं, बिल्कुल सही, दो प्लेटों के टकराने की वजह से ही स्थल खंड का निर्माण हुआ है। उन स्थल भाग का निर्माण होने के कारण ही हमने यहाँ पर द्वीप जैसी संरचना देखी और यह भी देखा कि उनकी संरचना संगठन एक जैसा है जबकि उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है अर्थात प्लेट में गति देखी गई है। यह प्रशांत महासागर के प्लेटों की गति को सिद्ध करता है तथा यह सभी सागरीय पर्वतों पहाड़ियों हवाई हॉट स्पॉट के पास निर्मित हुई है। जो सभी जो पहाड़ी है वो कहाँ निर्मित हुई है, जो हवाई द्वीप है वहाँ पर हवाई हॉट स्पॉट है अर्थात हॉट स्पॉट का अर्थ है बच्चों वहाँ लगातार ज्वालामुखी निकलता जा रहा है और उस ज्वालामुखी में मैग्मा जो है वो निकल रहा है और उस मैग्मा से ही क्या ये पहाड़ियों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहां देखा कि प्लेट स्थानांतरण अर्थात प्लेट में प्रवाह हो रहा है। उसके पश्चात दूसरा है सैटेलाइट लेजर रेंजिंग, ये जो नवीन तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, इसके आधार पर प्लेटों की सापेक्षित गति को चिन्हित किया जा सकता है। ये तकनीक वैज्ञानिक है और एकाट्य है, जो तकनीक है बिल्कुल एकाट्य है, वैज्ञानिक रूप से है सैटेलाइट लेजर रेंजिंग। और इसमें सैटेलाइट के तौर पर यह देखा जाता है कि क्या वास्तव में जो प्लेट है पृथ्वी पर उपस्थित जो प्लेट है बच्चों ये स्थिर है या गति कर रहे हैं। तो वहाँ पर देखने के पश्चात जो चिन्हित किया गया तो यह पता लगाया गया कि बिल्कुल प्लेटों में गति है। इससे प्लेटों की आकृति संचरण एवं प्रकृति का भी पता चलता है। तीसरा है बच्चों जोइडस, ये एक अन्वेषण हुआ था, जोइडस अन्वेषण एक खोज हुई थी, इसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकाशित हुए थे। जोइडस जो अन्वेषण हुआ था उसमें कुछ तथ्य प्रकाशित हुए थे जो किस प्रकार से हैं,
पहला है जिसके अंतर्गत कटकों के पास भ्रंश घाटियों में उच्च ताप प्रवाह पाया गया। जो कटक है वहाँ की भ्रंश घाटियों में उच्च ताप प्रवाह पाया गया जो कि संवहनीय धाराओं की उपस्थिति होने का सूचक है। वहाँ जाकर के पता चला, वहाँ देखने से पता चला बच्चों कि कटकों में तापमान ज़्यादा पाया गया है। जो वहाँ भ्रंश जो वहाँ पर घाटियाँ है भ्रंश घाटियाँ है वहाँ पर तापमान अधिक पाया गया है। वो क्यों पाया गया है? वो इसी वजह से पाया गया है बच्चों क्योंकि हमने बताया था कि संवहनीय धाराएँ जब निकलती है तो वहाँ पर मैग्मा निकलता है और मैग्मा जब निकलता है तो गर्म मैग्मा वहाँ पर ठंडा हो जाता है, इस वजह से वहाँ का तापमान अधिक है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो यह है कि अटलांटिक महासागर 200 मिलियन वर्ष से पहले का नहीं है। यहाँ पर ये बेसाल्ट की जो उम्र थी उसको हमने देखा, उसको परखा, जोइडस जो अभियान चलाया गया था उसके अंतर्गत, और वहाँ पर ये पता चला कि 200 मिलियन वर्ष से पहले अटलांटिक नहीं था। उसकी जो अधिकतम उम्र है वो 200 मिलियन वर्ष की है और इसके अंदर जो मिट्टी पाई गई, जो सबसे पुरानी जो मिट्टी पाई गई वो भी 180 मिलियन वर्ष पहले की थी। अर्थात बच्चों लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले अटलांटिक महासागर नहीं था। जुरेसिक के बाद ही इसका निर्माण हुआ है, जो जुरेसिक काल था उसके बाद ही इसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला बच्चों कि जुरेसिक कालखंड के बाद जब प्लेटों में गति हुई उस के कारण ही अटलांटिक महासागर का निर्माण संभव हुआ। और यह भी यह दिखाता है कि प्लेटों में गति हुई है और प्लेट टेक्टोनिक जो क्रिया है उसके समर्थन करता है। गर्तों के पास लाल मृतिका का जमाव अधिक था जबकि कटकों के पास कम था। पुरातन मिट्टी मृतिका 180 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना नहीं था। जैसे कि मैंने बताया जो पुरातन मिट्टी थी वो भी 180 मिलियन वर्ष से पहले की नहीं थी। कटकों के पास नवीनतम बेसाल्ट मिल रहे हैं। बच्चों यह भी सबसे बड़ा प्रमाण साबित हुआ कि कटकों के पास नवीनतम बेसाल्ट मिल रहे हैं और कटकों से दूर जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी उम्र बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको सागर नीतल प्रसरण में भी बताया था कि माना कि ये कटक है तो इस कटक के ये कटक है महासागरीय कटक है बच्चों, और इस कटक के पास बिल्कुल समीप वाला जो हिस्सा है यहाँ पर नवीनतम बेसाल्ट है और इससे जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं दोनों तरफ जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं समान रूप से आश्चर्यजनक रूप से ये देखा गया है बच्चों कि समान रूप से ही उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जोइडस जो अन्वेषण हुआ था उसने भी प्लेट टेक्टोनिक का ही समर्थन किया। बेनियोफ जो क्षेत्र है वो प्लेटों के क्षेपित किनारों के पास मिलता है। प्लेटों जो प्लेट है वो क्षेपित हुई वहाँ पर ही बेनियोफ क्षेत्र मिलता है। प्लेट 45 डिग्री के कोणीय दिशा पर निक्षेपित होती है। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों कि प्लेट 45 डिग्री के कोणीय दिशा पर ही निक्षेपित होती है। गर्त के पास भूकंप मध्यम केंद्र, यहाँ गर्त के पास जो टक्कर हुई बच्चों यहाँ पर भूकंप कैसा? मध्यम केंद्र, जबकि गहन केंद्र वाले भूकंप लगभग 300 किलोमीटर, यहाँ 300 किलोमीटर की गहराई पर गहन केंद्र वाले भूकंप होंगे और पातालीय लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर प्राप्त होंगे। 700 किलोमीटर की गहराई पर पातालीय भूकंप प्राप्त हो रहे हैं जो कि प्लेटों के क्षेपण को सिद्ध करता है। पातालीय भूकंप तभी संभव है जब आंशिक रूप से पिघली प्लेट मेंटल जो कि ठोस है उसके ऊपर घर्षण करे। तो बच्चों यहाँ पर विपरीत दिशाओं में गतिमान करती हुई प्लेट जब क्षेपित हो जाती है एक प्लेट तो लगातार रूप से क्या होता है? भूकंप की स्थिति बनती है। तीन प्रकार के भूकंप की स्थिति बनती है। एक तो जहाँ पर क्षेपित हो रही है वहाँ उस क्षेत्र में, एक 300 किलोमीटर वाले क्षेत्र में और एक 700 किलोमीटर वाले क्षेत्र में। तो यह तीन प्रकार के जो क्षेत्र है वो बेनियोफ क्षेत्र है और वहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि प्लेटों के क्षेपण के कारण ही इन भूकंपों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, यह भी समर्थन करता है। वर्तमान में जो GIS सिस्टम है, जो नवीनतम प्रमाण है, वो भी इस बात को
बताता है कि सापेक्षित गति यहाँ पर देखी गई है। वर्तमान में नई प्लेटों के संचरण एवं उनके सापेक्षित गति को GIS के माध्यम से स्थापित किया जा चुका है और इस प्रकार प्लेटों में गति है, यह तथ्य स्थापित हो चुका है। वर्तमान में प्लेट टेक्टोनिक जो विधि है, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है बच्चों, यह सर्वमान्य हो चुका है। लेकिन फिर भी बच्चों, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई है, कुछ आलोचना इसकी की जाती है। और कौन कौन सी इसकी आलोचना है, कौन कौन सी कमियां हैं जिसका उत्तर प्लेट टेक्टोनिक विधि अभी तक नहीं दे पाई है। हो सकता है भविष्य में इसमें कुछ सुधार हो जाए और इसमें और कुछ चीज़ें नई जुड़ने लग जाए, तब हो सकता है कि इसका आंसर हम दे सके। लेकिन वर्तमान में, वर्तमान स्थितियों में इसकी कुछ आलोचना होती है। उन आलोचना, उन कमियों को हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। प्लेटों की कुल संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती तथा प्लेटों की सीमाओं का निर्धारण शेष है। हाँ बच्चों, यह बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने आपको बताया भी था कि प्लेट कितनी है, कौन कौन सी इसकी सीमा है, कितनी बड़ी है, इस बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कहीं पर छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, उप प्लेट, उनकी सीमाओं का निर्धारण अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यह पहली और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखी गई है। दूसरी है, प्लेटों की सीमाएं वहीं क्यों प्राप्त होती है जहाँ वो अवस्थित है, अर्थात संवहनीय धाराएं कुछ विशेष भागों में ही क्यों उत्पन्न होती है। संवहनीय जो धारा है वो विशेष भागों में क्यों उत्पन्न होती है, दूसरे स्थानों पर क्यों नहीं होती, यह भी प्रश्न है जो कि प्लेट टेक्टोनिक अभी तक नहीं दे पाया है। तीसरा है, प्लेट सीमाएं कहीं उत्पन्न हो रही है तो कहीं विलुप्त हो रही है, इस क्रियाविधि का कोई उत्तर नहीं है। अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं है कि कहां प्लेट उत्पन्न हो रही है, जो प्लेट सीमाएं हैं, और कहां वो खत्म हो रही है, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद अगला है, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति को प्लेटों की विस्थापन का विस्थापनकारी बल माना गया है, परंतु इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह है। संवहनीय धाराओं के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, तब यदि उस पर ही प्रश्न चिन्ह है तो यह जो गति करते ही है, जो ये बल बता रहे हैं, इसका तो प्रमाण ही क्या। तो यह भी एक आलोचना यहाँ पर की जाती है कि संवहनीय धाराओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। अगला है, प्लेट विवर्तनिक की मूल अवधारणा है कि पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल एक समान है। जैसे कि मैंने बताया था, प्लेट विवर्तनिक में क्या अवधारणा है कि पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल एक समान है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सतही क्षेत्रफल, अर्थात जो क्षेत्रफल का विनाश हो रहा है, जितना विनाश हो रहा है उतना ही निर्माण हो रहा है, अर्थात नेट जो एरिया है पृथ्वी का, वो सतही रूप से वो समान होगा। ये यहाँ पर इसकी मूल अवधारणा है, जिसे रूसी वैज्ञानिक जेके होल के समर्थकों ने चुनौती प्रस्तुत की। इनके मत में पृथ्वी का विस्तार हो रहा है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकल नहीं पाती जिस मात्रा में उत्पादित हो रही है। तो जेके होल रूसी वैज्ञानिक थे, उनके समर्थकों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस मात्रा से पृथ्वी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, एक तो पुरानी ऊर्जा, उत्पत्ति के समय की ऊर्जा, और दूसरी नई प्रकार की जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है पृथ्वी के अंदर, जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है उस अनुपात में पृथ्वी से ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती, इस कारण से पृथ्वी का जो सतही क्षेत्रफल है ये एक समान है, जैसे कि अवधारणा बताई गई थी, इसका विरोधाभासी लगता है। ये जेके होल के समर्थकों ने कहा था, ठीक है। पृथ्वी का, उन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी का विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है पृथ्वी का विस्तार, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वो लगातार रूप से बन रही है, लगातार रूप से उनका निर्माण ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, और इसके विपरीत जितनी ऊर्जा बन रही है, जितनी ऊर्जा बन रही है उसके अनुपात में बहुत कम ऊर्जा ही निकल पाती है पृथ्वी के अंदर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से एक गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, ठीक है, तो लगातार रूप से यदि उसमें छेद कर दिया तो जितनी हवा भरेंगे उतनी हवा निकल जाएगी, लेकिन यदि उसमें छेद नहीं किया या बहुत छोटा छेद किया और हवा तेज गति से हम बहुत ज़्यादा हवा भर रहे हैं और छेद कम किया है, तो जितनी हवा भरेंगे उससे कम हवा निकलेगा, तो गुब्बारा क्या होगा, फूल जाएगा। उसी प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा बन रही है, उसके
अनुपात में कम ऊर्जा ही बाहर निकल रही है, ऐसा जेके होल जो वैज्ञानिक थे उनके समर्थकों ने कहा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद है महासागरीय कटकों के नीचे अपसारी सीमाओं का प्राप्त नहीं होना, जैसे हिंद महासागर, इस कटकों की उत्पत्ति कैसे सिद्ध होगी? हिंद महासागर जो जैसे महासागर है वहां पर कटकों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यह भी समस्या देखी गई है कि सभी महासागरों में ही कटक स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होते, केवल अटलांटिक महासागर में ही स्पष्ट प्राप्त होते हैं। अंतरा पर्वतीय श्रृंखलाएं जैसे पूर्वी अफ्रीका के पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का निर्माण जिसे ड्रेकेंसबर्ग के पर्वत है के निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्ध नहीं कर पाता, यह टर्शरी युग के पर्वतों के नवीन वलित पर्वतों के निर्माण को ही सिद्ध कर पाता है। केवल टर्शरी जो युग है, आधुनिक जो नवीनतम जो वलित पर्वत है, ठीक है, जो नवीनतम वलित पर्वत है उन्हीं को सिद्ध कर पाता है, पुरातन जो पर्वत है उनके बारे में इसमें कोई मत नहीं है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक कुछ भी नहीं कहता है, तो यहाँ भी इसकी आलोचना होती है बच्चों। इसके पश्चात है हर्सिनियन एवं कैलिडोनियन पर्वतों को भी सिद्ध नहीं करता, हालांकि लघु प्लेट के आधार पर इसकी उत्पत्ति बतलाई जा सकती है। जो हर्सियन काल के जो पर्वत थे और कैलिडोनियन काल के जो पर्वत थे उनकी उत्पत्ति को भी यह पीटी प्लेट टेक्टोनिक सिद्ध नहीं कर सकता, हालांकि बाद में कुछ लोगों ने लघु प्लेट जो सिद्धांत था, जो लघु प्लेट सिद्धांत था उसके आधार पर इसकी उत्पत्ति बतलाई जरूर है, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना यहाँ पर की जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर विभिन्न आलोचनाएं हमने प्लेट टेक्टोनिक की बताई। इसके पश्चात है अपसारी सीमाओं की लंबाई अभिसारी सीमाओं से कहीं अधिक है, अर्थात क्रस्ट का निर्माण अधिक है तथा विनाश कम है। ये भी देखा गया है बच्चों कि अपसारी सीमाओं की लंबाई अभिसारी सीमाओं से कहीं अधिक है, अभिसारी सीमाओं से अधिक है, इस वजह से क्रस्ट का निर्माण अधिक हो रहा है और विनाश कम हो रहा है, ऐसा देखा गया है। तो यह भी इसके आलोचना है। विषुवत रेखा पर कुछ इस प्रकार के वाष्पीकृत निक्षेप एवं अवक्षेप प्राप्त होते हैं जिनकी उम्र लगभग 600 मिलियन ईयर की है, अर्थात प्री कैम्ब्रियन है। इनकी उपस्थिति अफ्रीका के स्थायित्व पर ही संभव है। यदि अफ्रीका का स्थायित्व वहीं पर है तो ही यह संभव होगा कि वहाँ पर विषुवत रेखा पर जो वाष्पीकृत निक्षेप और अवक्षेप प्राप्त होंगे, तो उनकी उम्र कितनी है, 600 मिलियन वर्ष। तो बच्चों 600 मिलियन वर्ष है कहाँ पर, अफ्रीका में प्राप्त जो निक्षेप है। अब वो क्यों हैं, यदि वो वहाँ पर हैं तो इसका मतलब यह है कि अफ्रीका जहाँ पर है वो वहीं पर ही स्थित है 600 मिलियन वर्ष से ही, 600 मिलियन वर्ष से ही अफ्रीका वर्तमान में जहाँ पर है वो उसी स्थान पर है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पीटी इस बारे में, जो प्लेट टेक्टोनिक है, वो इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर में विषुवत रेखा पर जो ये निक्षेप और अवक्षेप प्राप्त हुए इनकी उम्र जिनकी कितनी थी, 600 मिलियन वर्ष थी, वो क्यों हुए और क्या वो प्राप्त हुए हैं। तो 600 मिलियन वर्ष से ही वो, क्या अफ्रीका उसी स्थान पर है जो कि वर्तमान स्थिति पर है, इन बातों में ये क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों अगला है, ग्रीनलैंड उत्तर की ओर 14 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से विस्थापित हो रहा है, जो एक ही प्लेट के दो विपरीत दिशा को दर्शाता है। अन्य प्लेट जैसे अफ्रीकी प्लेट दो विभिन्न दिशाओं में संचरित प्रतीत होती है। एक तो ग्रीनलैंड, ठीक है, उसकी दिशा उत्तर की ओर 14 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जा रही है, तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि विपरीत दिशाओं में एक ही प्लेट विपरीत दिशाओं में कैसे गमन करेगी, या तो वो एक प्लेट नहीं है या फिर उसमें कोई ना कोई दूसरी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर है। उसी प्रकार से अफ्रीकी जो प्लेट है उसकी दिशा भी अभी तक पता नहीं चल पा रही है, कोई तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर बताता है, कोई पूर्व की ओर बताता है, तो अलग अलग दिशाओं के बारे में यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट की भी बताया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ कमियाँ जरूर हो सकती है, और हो सकता है कुछ भविष्य में कुछ सालों के पश्चात इन कमियों को दूर किया जा सके। इतनी कमियों के बावजूद, इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी बच्चों प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत वर्तमान में सर्वमान्य है, क्योंकि इसकी जो प्रमाण है वो प्रमाण बिल्कुल सटीकता के साथ में है। हालांकि कुछ कमियां हमने यहां पर गिनाई, लेकिन भविष्य में हो सकता है इन कमियों को दूर किया जा करके इसके
वर्तमान स्वरूप को और अच्छे से स्थापित करे। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हमने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को संपूर्ण किया। अगली क्लास में बच्चों हम महासागरीय अध्यय स्थल और भारतीय प्लेट का संचलन किस प्रकार से हो रहा है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।